नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। आज महाविजयादशमी है और आज विजयादशमी के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत इसी का दर्शाता है। लोगों के मन में क्या भावना है, विजयादशमी को लेकर क्या मंथन कर रहे हैं, इसके बारे में आज के नवयुवक आइए महाविजयादशमी के उपलक्ष में उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं। श्री विजयादशमी हमारे संस्कृति का पार्ट हो गया, कल्चर हो गया और ये जैसा चलता आया है हमेशा वैसे ही चलते रहेगा। माँ का पूजा, माँ की अर्चना, माँ से प्रार्थना और विजयादशमी को खासकर रावण दहन करना, वो हमारी संस्कृति का पार्ट हो गया और वो हमेशा चलता रहेगा। इससे कुछ सीख मिलता है? हाँ, बुराई पे अच्छाई की जीत, हमेशा हमारे अंदर अच्छा बुरा दोनों होता है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा नवरात्र विजयादशमी यही सिखाता है अंदर की बुराई से लड़ना हमेशा। हैप्पी विजयादशमी सभी को। आज विजयादशमी पे, आज विजयादशमी है, जैसे कि आप जानते हैं, मतलब आज जैसे कि प्रणाम वरनाम होता है, घर का बड़ा आदमी को प्रणाम किया जाता है। तो क्या नाम हुआ? सौविक मुखर्जी। धन्यवाद बाबा राष्ट्रीय। आज विजयादशमी के अवसर पर हम लोग सुबह सुबह नहा धोवा के निकले क्योंकि आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, इसी कारण हम लोग भी खुश है। हैप्पी विजयादशमी आप सभी को। आज विजयादशमी, अधर्म पर धर्म की विजय, हम सब बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आप सबों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घरेलू चलता है, परंपरा वही चलेगा। चलेगा, शुभ विजय। नमस्कार।